दोस्तों, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको पनीर ना पसंद हो, क्योंकि पनीर में कैल्शियम और प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए लोग इसको खाना पसंद भी करते हैं। लेकिन दुकानदार इसी चीज का गलत फायदा उठाते हैं और उसमें इतनी ज्यादा मिलावट करते हैं जिससे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। कुछ आंकड़ों के अनुसार भारत में 15 करोड़ टन दूध का उत्पादन होता है। अगर हम इस पूरे 15 करोड़ टन दूध को पनीर में बदल दें तो लगभग 7 लाख टन पनीर बनेगा। भारत में 25% की दर से पनीर का जो मांग है वह बढ़ता ही जा रहा है, और एक औसत मांग के अनुसार भारत में लगभग 5 लाख टन पनीर का मांग है। तो हम पूरे दूध का तो पनीर बना नहीं सकते, क्योंकि तो अगर हम पूरे दूध का पनीर बना देंगे तो फिर लोग दूध का उपयोग कैसे कर पाएंगे। तो अब जब पूरी दूध का हम पनीर बना नहीं सकते तो फिर इतना ज्यादा मांग जो पनीर का है वह कैसे पूरा हो रहा है? जाहिर सी बात है, मिलावट से ही उस पनीर का जो मांग है वह पूरा हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो पनीर की असली पनीर है उसकी अगर कीमत देखी जाए तो 300-350 रुपए के बीच में 1 किलो पनीर पड़ता है, लेकिन जो मिलावट का पनीर होता है वह 150 रुपए में लगभग 5 किलो पनीर तैयार हो जाता है। तो है ना, बहुत ही ज्यादा फायदे का सौदा, इसीलिए लोग पनीर में मिलावट करते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह हुई कि इतनी ज्यादा कमियां हैं पनीर में, तो हम पनीर को कैसे पहचाने कि पनीर हमारा सही है या नहीं सही है? तो उसके कुछ तरीके हैं, स्टेप्स हैं, अगर आप उनका फॉलो करते हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि जो पनीर है आपका वह मिलावटी पनीर है। जब भी आप पनीर लेने के लिए जाएं तो पनीर का छोटा सा टुकड़ा लेकर के उस पनीर के टुकड़े को मसलें। अगर वह पनीर का टुकड़ा टूट करके बिखर जाता है तो पनीर जो है वह डुप्लीकेट पनीर है, नकली पनीर है, क्योंकि उसके साथ जो मिल्क पाउडर का उपयोग किया जाता है वह मिल्क पाउडर प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वह टूट करके बिखर जाता है। तो एक तो तरीका यह हो गया असली पनीर की पहचान करने का। इसके साथ साथ असली पनीर की पहचान यह है कि जब आप पनीर को लें और उसको सूंघें तो आपको दूध की जैसी महक भी आएगी। जब भी आप पनीर लेने के लिए जाएं तो उस पनीर को ला करके उसको उबालें और उसको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद उस पनीर में कुछ बूंदें आयोडीन टिंचर डालें, जो कि मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध है। जब आप आयोडीन टिंचर उसमें डालेंगे तो जो पनीर है उसका कलर नीला पड़ जाएगा। अगर पनीर का कलर नीला पड़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह पनीर जो है वह मिलावटी पनीर है, नकली पनीर है। अगर आप आयोडीन टिंचर नहीं ला पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, तो उसका एक तरीका यह भी है कि जब भी आप पनीर को मार्केट से लेकर के आए तो उसको गर्म करके ठंडा करें और उसके बाद उसमें जो सोयाबीन होता है उसका या अरहर की दाल का बुरादा बना करके उसके पाउडर को उस पनीर के ऊपर डालें। 10 मिनट के बाद आप देखें कि अगर उस पनीर का जो कलर है वह लाल कलर का हो जाता है तो वह पनीर नकली है। क्योंकि होता क्या है कि पनीर में जो यह कलर परिवर्तन हो रहा है वह पनीर में मिलाए गए डिटर्जेंट या यूरिया के कारण होता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनकी मदद से आप असली और नकली पनीर की पहचान कर सकते हैं। तो आज वीडियो बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।